हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट साजन मैम और आप देख रहे हैं यूट्यूब पाटल यूट्यूब चैनल। और आज हम के लिए बहुत ही जो मार्केट में मैंने देखा है, बहुत ही पाकिस्तान मार्केट और इंडिया की मार्केट में मोबाइलों का डिफरेंट प्राइस बहुत लग चल रहा है, उसके बारे में आज हम वीडियो लेके आए हैं। कुछ आपको लाइव दिखाएंगे कि इंडिया में मोबाइल की प्राइस क्या है, वही मोबाइल सेम चीज पाकिस्तान में प्राइस क्या है और ये क्या हो रहा है। इससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी न्यूज अपडेट मोबाइल के एक्सेसरीज अनबॉक्सिंग की रिव्यू वीडियो बनती रहे। जी व्यूअर्स, तो मैंने फाइनली सर्च किया कि हमारे पाकिस्तान की जो मार्केट है ऑफलाइन और इंडिया की जो ऑफलाइन मार्केट है, उसमें जो मोबाइल फोन्स हैं हमारी और मोबाइल एक्सेसरीज हैं हमारी, उसमें एक ही चीज़ सेम कंपनी सेम ब्रांड सेम चीज़, तो क्या बात है कि उसमें और हमारी मार्केट में क्या फ़र्क चल रहा है। इसके लिए मैंने वाजिया है अपने लैपटॉप पर इंडिया प्राइस और पाकिस्तानी प्राइस को चेक करते हैं और आपको लाइव दिखाते हैं कि हमें क्या इसे मिलता है, आपको समझ आ जाएगी। तो गाइज, हमारी वीडियो पूरी देखिएगा, प्लीज स्किप ना करिएगा, क्योंकि आप पूरी देखेंगे तो आपको सारी समझ आएगी और हर चीज का पता चलेगा। ये हम अपने लैपटॉप में चलते हैं, तो व्यूअर्स हम फाइनली अपने लैपटॉप में चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं अपने लैपटॉप में और क्या क्या चीज चल रही है। ओके व्यूअर्स, हम फाइनली अपने लैपटॉप में आ चुके हैं, हम देख रहे हैं लैपटॉप में, आप भी हमारे लैपटॉप की स्क्रीन में आ चुके हैं। तो गाइस देखते हैं हमारे, ये हमने एक वेबसाइट खोली हुई है, इसमें mysmartprice.com ये वेबसाइट है जो कि ये इंडियन वेबसाइट है, और एक तरफ हमने whatmobile.com टॉप पीके खोली हुई है जो कि एक पाकिस्तानी लोकली वेबसाइट है जिसपे राइट इनवाइस रेट आते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो रेट आ रहा है वो आ रहा है वीवो Y51 का, जो कि लेटेस्ट मार्केट में अभी अभी आया है। तो हम इसको देखते हैं कि हमारे पास जो पाकिस्तान की मार्केट में है Y51S, और उस दूसरी हमारी मार्केट जो इंडिया की मार्केट है उसमें Y51S का क्या रेट है। तो हम देख रहे हैं जो हमारी जो लोकल मार्केट Y51S, हम जो इंडिया का इंडिया में Y51 2020 के नाम पे मुतारिफ करवा दिया गया है और पाकिस्तान में Y51S के नाम पे मुतारिफ करवा दिया गया है, और जो रेट दिया गया है वो 17,990 रुपए इनवाइस रेट दिया गया है, आप देख रहे होंगे इनवाइस रेट में। और जो हमारे पास पाकिस्तान में है वो 39.99 रुपीज हमारे ये दिए गए हैं Y51S में। तो हम अगर इसको ओपन करके देखते हैं तो हमारे पास 8GB रैम 128 5000mAh बैटरी, वही प्रोसेसर, वही हर चीज़ सेम है हमारे पास, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है हमारे फ़ोन में और उनके फ़ोन में। ये देखें व्यूअर्स, सेम है, सेम वॉलपेपर है, 8GB रैम है और जो उन्होंने लिखा हुआ है हमारे फुल वही बिग स्क्रीन विद HD, मैंने सारी इंफॉर्मेशन पढ़ी हुई है, आप भी देख सकते हैं पढ़ सकते हैं। तो हम मेन जो हमारा पॉइंट है वो हम प्राइस पे आते हैं, तो यहाँ पे जो प्राइस है वो हमारे 17,990 रुपए इंडिया में आ रही है, और हम इंडिया की अदर साइड भी विजिट कर देते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि हर चीज़ की बेहतरीन तरीके से। ये देखें हमारे पास, ये देखें वीवो Y31 जो ऑफिशियली अभी लॉन्च हुआ है, वीवो कंपनी ने किया है, इंडिया में इसका 16,690 रुपए प्राइस है, और जब हम पाकिस्तानी प्राइस मार्केट में देखते हैं कि हमारे पास अभी ऑफिशियली आया नहीं है और अभी तक ये Y21 हमारी नहीं आया, हम देखते हैं V20 की प्राइस है, ये हमारे पास 60,000 रुपये इनवाइस रेट आ रहा है इसका,
अगर हम इंडिया की मार्केट में देखें तो हमें ये देखने को मिल रहा है V20 सिर्फ और सिर्फ, ये देखिए मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखें अब वीवो के प्राइस को देखें, और ये प्राइस हमारे पास जो इंडियन रुपीज़ में हमारे पास जो प्राइस आ रही है वो प्राइस आ रही है हमारे पास 8 GB मेगापिक्सल कैमरा और 24,000 रुपये हमारे पास प्राइस आ रही है। देखें व्यूअर्स ये देखें और ये देखें, ये हमारे पास इसकी 24,000 रुपये प्राइस आ रही है। सेम चीज़ है ये देखें 24,990 रुपये आ रही है और पाकिस्तान में 60,000 रुपये आ रही है। देखें व्यूअर्स आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ पे कि जो वीवो V20 जो इंडिया में है वही सेम चीज़ उसकी प्राइस हमारे पास आ रही है, उसकी प्राइस हमारे पास आ रही है 60,000 रुपये। और अगर हम वही फ़ोन इंडिया में जाके बाय करते हैं तो हमारे पास जो प्राइस है वो 24,990 आ रही है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंट आप देख रहे हो, 25 50 50 50 50 से 60, यानी कि हमारी जो प्राइस है इंडिया की प्राइस हमसे 1.5 गुना कम है और हमारी 1.5 इंडिया से ज़्यादा है जो चीज़ हमें मिली। इसी तरह हम सैमसंग ब्रांड में चले जाते हैं तो हम अभी सैमसंग ब्रांड में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं, हम एप्पल के ब्रांड में जाते हैं व्यूअर्स, हम एप्पल की प्राइस पाकिस्तान और इंडिया में टेस्ट करते हैं और देखते हैं हम उसका हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं। ये एप्पल आईफोन है, ओके व्यूअर्स का हमने एप्पल लगा लिया। अभी हमारे पास करंटली iPhone 12 Pro है वो हमारे पास 2,48,000 रुपये का आ रहा है, और जब हम इसको इंडिया की प्राइस में देखते हैं तो हमारे पास व्यूअर्स एप्पल का जो 12 Pro है वो हमारे पास आ रहा है 12 Pro। ओके ये देखें गैलरी फोटोज वर्ल्ड 12 Pro, 12 Pro ये हमारे पास 1,19,900 रुपये का आ रहा है व्यूअर्स। ये देखें जो इंडिया की प्राइस है वो 1,19,900 रुपये है और जो पाकिस्तान की प्राइस है 12 की वो 2,48,000 नॉन पीटीए, जिन के ये पीटीए नहीं है, 40,000 हमें अलहदा से पीटीए पर देना पड़ेगा, तो उसको हम प्लस करके ये हमें पड़ जाता है 2,80,000, 2,80,000 के करीब हमें पड़ जाता है व्यूअर्स। देखिए कितना डिफरेंट है, इंडिया में पीटीए का भी कोई रोला नहीं है, वहां पर टैक्स नहीं है, जो उन्होंने फोन आया उनका टैक्स हो गया। ये देखें हमारे जब पाकिस्तान में क्या गेम चल रही है उधर क्या चल रही है, इसी तरह हम अदर मोबाइल भी सारे देखेंगे तो हमें प्राइस का बहुत ज़्यादा यार आखिर ये हो क्या रहा है, हम लूट रहे हैं या हमें कोई लूट रहा है यार, ये क्या चल रहा है। अब हम चले जाते हैं, एक और चीज़ मैं आपको वाजिया कर दूँ, अगर हम जाते हैं जी हमारा ये जो प्राइस है वो डॉलर का फर्क हो सकता है तो हम इसको भी लाइव टेस्ट करते देख लेते हैं। हम USD$2 PKR करते हैं, ओके व्यूअर्स ये देखें हम PKR करते हैं तो ये हमें ऑनलाइन होता है, जिन लोगों को नहीं पता ये हमें बताता होता है कि आपका डॉलर कहाँ पे जा रहा है। वेरी गुड, हमारा डॉलर दिन पर दिन नीचे जा रहा है, वेरी गुड। और अब हम चेक करते हैं इसको लाइव में, अब हम यहाँ पे कर देते हैं हमारे जो लोकल करेंसी है हमारी PKR पाकिस्तानी रुपीज़ कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं इंडियन रुपीज़। ओके व्यूअर्स तो हम जाते हैं इंडियन, ये देखें हमने इंडिया रुपीज़ कर लिया है। ओके अब ये देखें हम अब चेक करेंगे कि हमारा जो, अब हम चेक करेंगे कि हमारे क्या सिस्टम बनता है, अब हमारे ये चीज़ क्लियर आएगी व्यूअर्स। हम जाते हैं अपना जो हमने V20 का प्राइस देखा था वो जो इंडिया में प्राइस आ रहा था हमारे पास, हम अगेन चेक कर लेते हैं वो मैं हमने देखा था V20 का, ये देखें हमारे पास आ रहा है V20 2021 24,990 रुपये। तो हम इसको इंडियन में लिखते हैं,
ये हमारा 24,990 रुपए है, यानी कि ये पाकिस्तानी मार्केट में अगर हम लगाएं 53,672 रुपए का बनता है, जो हमें अभी ठोक रहे हैं 60,000 रुपए का। तो देखिए हमारा कितना, ये उनकी इनवाइस रेट है, इसमें परसेंटेज भी निकलेंगे, इसमें डिस्काउंट ऑफर भी निकलेगी, ये देखिए आपके सामने है। और इसी तरह हम अदर चेक करें तो इतना ही डिफरेंस, इसी तरह फर्क आ रहा होता है। तो व्यूअर्स ये सारी हम देख लिए हैं, हमने हमारे पास ये जो सब कुछ चल रहा है आपने देखा, इतना पाकिस्तान और इंडियन रेट का, इतना रेट का इतना डिफरेंस चल रहा है। हेलो व्यूअर्स, आपने हमने आपको फाइनली हर चीज का रिजल्ट दे दिया, आपको ये बता दिया गया है कि आपको ये चीज प्राइस और पाकिस्तान इंडिया में क्या डिफरेंट है, क्या लूट मार रखी है। अब आप बताइए आपके माइंड में क्या, कमेंट्स में हमें बताइए कि आपकी राय क्या है, कि क्या माफिया कहाँ पे एक्टिव है, इंडिया में मोबाइल मार्केट में या पाकिस्तान की मार्केट में, या गवर्नमेंट का कसूर है आपके नजरिए में, आखिर इसका ओरिजिनल जो कसूरदार है वो कौन है, मोबाइल कंपनी से है, गवर्नमेंट से है, पीटीए है, क्या है, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हमारा यूट्यूब पर जो चैनल है इसको सब्सक्राइबर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो आती रहे। और इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज पर अगर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम और ट्विटर भी लाइक फॉलो कर लें, नीचे लिंक्स दी हुई हैं ताकि आपको ऐसी न्यूज अपडेट्स, प्राइस की चेंजिंग हम वहाँ पर डालते रहते हैं और वक्त पर मिलती रहे। अब अपने होस्ट साजिद मेहमान को इजाजत, अगली वीडियो बहुत जल्द मिलते हैं, गुड बाय।